Dun 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 dun. तो भाई लोग आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में रिंग लाइट कॉन्सेप्ट वाले जिस स्टेटस को देखा गाइस, मैं आज आपको कुछ इस तरह का स्टेटस बनाना सिखाने वाला हूँ। तो यार इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसी वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर गाइस मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दे के रखा है आपको। दोस्तों उस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो यार चलिए आप उस वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए, मैं जाकर वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये रहा वो एप्लीकेशन। गाइस आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको इस वाले एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओपन करेंगे, उसका फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, और इसके बगल में ही फ्रेंड्स आपको ये रिंग लाइट दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले रिंग लाइट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपको यहाँ पे मैक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा, इस वाले मैक वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से गाइस आपका जो फ़ोन का गैलरी है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ से आपके गैलरी में 8 फोटो आपको रखना होगा। तो अभी आपको क्या करना है, एक एक करके दोस्तों आपको जो फोटो सब है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सिलेक्शन करते हुए चले जाना है। देख सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सेम टू सेम आप भी गाइस कुछ इसी तरह से आपको 8 फोटो आपको सिलेक्शन कर लेनी होगी और आपको यहाँ से ओके कर लेनी होगी। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओके करेंगे, आपका दोस्तों जो वीडियो है कुछ इस तरह से तुरंत तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाला डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आपका जो वीडियो है आपके गैलरी में तुरंत सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको फ्रेंड्स आपको थोड़ा इफेक्ट डालना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको बस आपको ओपन करना है। तो दोस्तों चलिए अपने काइंड मास्टर का आप ओपन कीजिए, मैं जाकर वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। अब आपको इस वाले न्यू प्रोजेक्ट में वो क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइंड मास्टर को ओपन कर लेनी होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले मीडिया पे क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड का आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस वाले बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से खींच कर बढ़ा लीजिएगा। बढ़ा लेने के बाद आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आपको आना है। आने के बाद गाइस आपको जो राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है। और यहाँ से गाइस जो वीडियो आपने अभी अभी आप सेव की है उस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों को क्या करना होगा, इस वाले कोना में पकड़ के कुछ इस तरह से उसको फुल स्क्रीन में करना होगा। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस जहाँ फ्रेंड्स आपका लड़की का वीडियो आ रहा है, मतलब गाइस आपका जो फोटो का जहाँ से दिखने लगेगा उस जगह को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी। कुछ इस तरह से सर्च कर लेने के बाद आपको जो ऊपर में सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना वीडियो को डिवाइड कर देनी होगी। डिवाइड कर देने के बाद आपको उसी फाइल में क्लिक करना होगा, और कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर खींच के यहाँ पर कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देनी होगी। कर देने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर मेरा थोड़ा बड़ा हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने वीडियो के बराबर में कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। कर लेने के बाद फिर से आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने एक टेम्पलेट वीडियो का लिंक देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले टेम्पलेट वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है। और यहाँ से दोस्तों अभी आपको उस वाले टेम्पलेट वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो वो टेम्पलेट वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे आप इसमें सिलेक्शन करेंगे, आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है देख सकते हैं, इसको आपको रिमूव करना है। तो यार इसको रिमूव करने के लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के लास्ट में आप ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस ब्लेंडिंग में क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको सिलेक्शन कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप सिलेक्शन करेंगे, आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको फिर से आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने एक व्हाइट बॉर्डर का लिंक देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले व्हाइट बॉर्डर को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों सेम इसी वाले लेयर में आप क्लिक कीजिएगा, मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कीजिएगा। और यहाँ से दोस्तों आपको उस वाले व्हाइट बॉर्डर का जो PNG है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा व्हाइट बॉर्डर का PNG है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब सेम आपको इसी वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना होगा, और इसका ड्यूरेशन को कुछ इस तरह आपको वीडियो के एंड तक आपको कर देनी है। अब दोस्तों अपना वीडियो अगर आप प्ले करके आप देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान सिस्टम को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। अब आपको ये जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना होगा।